है दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, एसएससी जेडी कैंडिडेट जिनको भी सीआरपीएफ पोस्ट मिला है, पहले ही बता दें कि ये वीडियो केवल सीआरपीएफ फॉलो के लिए है। चाहे आप ज्वाइनिंग कर लिए हैं या अभी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या मतलब करने वाले हैं, या जिसका ज्वाइनिंग लेटर आया है, नहीं आया है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है केवल सीआरपीएफ फॉलो के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। और इसमें सारा डाउट क्लियर करेंगे कि जिसका थंब इम्प्रेशन नहीं मिला है या जो भी दिक्कत है, और उनको क्या मिला है सीआरपीएफ। तो आइए उन सारे डाउट को क्लियर करेंगे, और क्या आपको करना है ये ज़रूर जानिएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्काइप किए हुए। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले सीआरपीएफ का ज्वाइनिंग अधिकांश स्टेट यानी कि अधिकांश राज्य में आ चुका है, और कुछ कोई कोई राज्य ऐसा है, दो तीन राज्य अभी बचा है जिसमें नहीं आया है। अगर आपके स्टेट में नहीं है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप किस स्टेट से हैं और आपका नहीं आया है, ठीक है। और अगर देखिए, अगर यूपी का या बिहार का या पश्चिम बंगाल कहीं का भी अगर बात करें, तो भी वहाँ का भी हर एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं आया है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का आया भी है तो कई लड़कों का नहीं आया है अभी तक। क्यों नहीं आया है इसमें हम बताएंगे आपको। तो देखिए, जिन लड़के का थंब इम्प्रेशन में कोई दिक्कत चल रहा है, ठीक है, जिनसे कई पेज भरवाया गया था, उनका तो अधिकांश लोगों का लेट हुआ है, ठीक है। इस कारण से उनका मतलब वेरीफाई हो रहा है, तो इस कारण से जो थंब होता है या सिग्नेचर होता है तो उनका अभी लेट हुआ है, उसको जांच पड़ताल करके भेज दिया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग तो इन्हीं लोगों के साथ में होगा, अगर ज़्यादातर दिक्कत नहीं होगा आप में तो ट्रेनिंग इन्हीं लोगों के साथ में होगा। ये नहीं कि ग्रुप सेंटर में चले गए हैं तो इनका ट्रेनिंग पहले हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। हमें ये भी मतलब दुर्गापुर जीसी से, जो कि मतलब ग्रुप सेंटर है सीआरपीएफ का, तो वहाँ से न्यूज़ मिला, लड़के बता रहे थे कि वहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि 2-3 महीना तक यहाँ पर रहेंगे, अब तब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे। हालांकि किट वट सब मिल जाएगा, पेमेंट वमेंट सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा 1 महीने के अंदर से ही, ठीक है। तो ट्रेनिंग मतलब कि अभी से 2 से 3 महीने बाद ही होगा, ये नहीं है कि अभी मार्च में आप 16 को 17 को 14 को जो भी ज्वाइन किए तो 10 दिन के बाद होना स्टार्ट हो, ऐसा बात नहीं है। ग्रुप सेंटर में अभी आपको बुलाया गया है, तो उनको थंब इम्प्रेशन वालों का अभी ज्वाइनिंग नहीं आया, या कई स्टेट ऐसे हैं कि वहाँ पर नहीं आए, तो वहाँ पर किसी का नहीं आया, तो वहाँ पर घबराने कोई बात नहीं, आ जाएगा। जैसे जैसे आपका वेरीफाई हो जाएगा सब कागज़ आ जाएगा। लेकिन देखिए, सीआरपीएफ ने उतना कागज़ को वेरीफाई नहीं किया है, इसलिए वो ग्रुप सेंटर में बुला करके सभी कागज़ जमा करवाएगा। तो वहाँ पर अब देखिए, अगर नेम मिसमैच होगा किसी का भी नेम मिसमैच, तो वहाँ से टाइम मिल रहा है, कई लोगों का ग्रुप सेंटरों से टाइम मिला है, अलग अलग ग्रुप सेंटरों से 7 से 10 दिन का टाइम मिला है कि आप लोग जा कर के सुधरवा करके रह लाइए, ठीक है। सुधार करके ले जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो 7 से 10 दिन नहीं सुधरा है तो भी ठीक है, कोई ये नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दे देगा, ऐसा नहीं होगा किसी के साथ में, ठीक है। टाइम मिलेगा लेकिन हाँ, सुधरवाना पड़ेगा आपको। उसके बाद से अगर बात करें तो मेडिकल, मेडिकल भी भाई हो रहा है, अगर डीएमई का बात करें तो नॉर्मली हो रहा है, लेकिन हो रहा है, कहीं कहीं पर तो पता चल रहा है कि ब्लड ड्यूरिन और एक्सरे भी हो रहा है। दोस्तों देखिए, तो जिसका भी ज्वाइनिंग आ गया है, ये वीडियो उसी पर है कि आया है या नहीं है, तो जिसका अभी नहीं है वो तो भाई अपने हेड क्वार्टर में जा कर के बात करें, ठीक है। अब देखिए, हेड क्वार्टर कैसा पता चलेगा, मान लेते हैं कि आप यूपी से हैं, यूपी में लड़कों का जिस लड़कों का आ रहा है तो वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, मतलब किस ग्रुप सेंटर से आ रहा है, वहाँ पे आप भी कॉल करके पता कर लीजिए। अगर आप यूपी से हैं तो मतलब आपके स्टेट में जिस ग्रुप सेंटर से ज्वाइनिंग आ रहे हैं उसी ग्रुप सेंटर पर आप फ़ोन करके पता कर लें कि सर मेरा क्यों नहीं है। अगर ऐसा है तो भाई ये ज़िंदगी का सवाल है, आप जा कर के वहाँ पर भी देख सकते हैं क्यों नहीं है, पूछ सकते हैं, अगर फ़ोन नहीं लगा तो, ठीक है। और देखिए, जिनका नहीं है उनका तो आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगा, भगवान की दया रहेगी तो आपका ज्वाइनिंग नहीं रुकेगा। लेकिन दोस्त, अपना जो फिजिकली मेडिकली सब मेंटेनेंस रखिएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में अगर दिक्कत है तो आप अभी से ही सुधार कर लेना, ये नहीं कि ज्वाइनिंग आएगा तब ये वो। जिसका आ गया है उनका भी अगर ज्वाइनिंग में अभी टाइम है, किसी का 22 मार्च तक भी ज्वाइनिंग है, तब तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो वो डॉक्यूमेंट का भाई जो भी नाम वाम गलत है कुछ भी है तो उसका एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लेना, कोर्ट से एफिडेविट बनता है, वो एफिडेविट बनवा लेना कि कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी सब प्रूफ में तो आप लोग जानते हैं कि क्या क्या ले जाना है, ठीक है। उस पर ज्वाइनिंग में लेटर मेंशन किया हुआ है क्या क्या ले जाना है। तो दोस्तों ये सीआरपीएफ फॉलो के लिए ही केवल है, क्योंकि सीआरपीएफ कुछ अलग ही डॉक्यूमेंट मांगे हैं, बीएसएफ कुछ अलग मांग दिया है, असम राइफल कुछ अलग मांगा है, ठीक है। सीएसएफ, अब देखिए सीएसएफ वालों का
छोड़िए, इसमें CSF का तो बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि CRPF के लिए वीडियो बनाया है। तो CRPF फॉलो के लिए ये बहुत ही हम उम्मीद करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक लिए दोस्त जय हिंद। और आपके साथ में कोई दिक्कत है डॉक्यूमेंट को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, ठीक है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और किस स्टेट से हैं, आपका आया है नहीं आया है, ज़रूर बताइएगा। ठीक है।